1948 में जो देश था ही नहीं, वहां पे आप कहिएगा कि यहाँ विभाजन होगा, यहाँ इसराइल भी रहेगा तो बवाल होगा। आप समझिए, यहाँ जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है हमारी जमीन की तुम्हारी जमीन। तो पहले तो यहाँ 100% फिलिस्तीन था, ये जो ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं 1948 से पहले ये 100% फिलिस्तीन था। बाद में आप देखेंगे 1948 में यूएनओ ने इसका पार्टीशन किया, तो अब देखिए ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन ऐसा रह गया। और जानबूझ के यूएनओ ने एक ऐसा ड्रामा रचा कि आगे जाके लड़ाई होगी। देखिए आधा फिलिस्तीन यहां दिया है, थोड़ा सा यहां दे दिया है, बीच में पतला रास्ता दिया है, थोड़ा सा यहां दिया है, बीच में पतला रास्ता। इन लोग का पहले से प्लान था, ऐसे ही इन लोगों ने पाकिस्तान को बांटा था, एक और इधर पाकिस्तान, एक और इधर पाकिस्तान, जिसको आगे चल के हम लोगों ने बांग्लादेश में तोड़ दिया। यही काम किया इजराइल ने, जानबूझ के इजराइल को कहा गया था कि भैया तुम आगे जाके तोड़ोगे तो ये क्षेत्र आ जाएगा, उधर वो क्षेत्र आ जाएगा। फिर अगले साल इजराइल ने ऊपर वाला घोट लिया, देखिए इजराइल खत्म, अब फिलिस्तीन यहां बच गया, यहां बच गया। उसके बाद धीरे धीरे देखिए इसमें भी धीरे धीरे कब्जा करना इजराइल चालू कर दिया। तो इजराइल ले देखे 12% फिलिस्तीन बचा है, तो जो फिलिस्तीन पहले 100% था अभी वो 12% है, और पूरा इजराइल उस पर कब्जा कर रहा है। तो फिलिस्तीनियों का एक तो मेंटली भाई किसी का भी मोरल गिरेगा कि नहीं कि हमारा देश तू हम ही को पीट रहा है। और इजराइल ने अलग अलग नियम बना रखा है, फिलिस्तीन के लोग हथियार नहीं रख सकते, एयरफोर्स नहीं रख सकते, आर्मी नहीं रख सकते, ये लोग मतलब नेवी नहीं रख सकते, और ये सब कुछ रखता है इजराइल। ओवरऑल आप कंसेप्ट समझिए, इजराइल जानता है कि ये लोग कमजोर देश है, इन्हें उत्तेजना दिलाओ और जैसे ये लड़ने के लिए आएंगे मारो, भयानक जमीन कब्जा लो।